दोस्तों क्या आप भी किसी YouTube चैनल से किसी प्लेलिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर दोस्तों क्या आप भी किसी YouTube चैनल से काफी सारी वीडियोस को डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर दोस्तों आपका जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेकफिट लाइफ। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल से किसी भी प्लेलिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो स्मार्टफोन है उसे यहाँ पे अनलॉक कर लीजिए। और दोस्तों स्मार्टफोन को अनलॉक कर लेने के बाद आप अपना जो YouTube का ऐप है उसे यहाँ पे ओपन कर लीजिए। YouTube का ऐप ओपन हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च वाले आइकॉन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप सर्च वाले आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों जैसे ही आप सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे किसी भी चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना ही चैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ। चैनल का नेम टाइप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों उसके बाद आप किसी भी चैनल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सिलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों जाइएगा इस चैनल के यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले टैब में। तो दोस्तों जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले टैब में जाएंगे यहाँ पर आपको काफी सारे जो प्लेलिस्ट हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है तो यहाँ पर मैं इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अगर आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों जैसे ही आप इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों एक पॉपअप टाइप का आ जाएगा। इस पॉपअप में दोस्तों आप ओके वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों आपकी जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो प्लेलिस्ट की जो वीडियो है दोस्तों वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होना। तो अभी दोस्तों इन वीडियोस को देखने के लिए आपको दोस्तों अपने स्मार्टफोन में लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। और दोस्तों लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक डाउनलोड्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्लेलिस्ट है दोस्तों वो अभी डाउनलोड हो रही है। और दोस्तों अभी ये जो प्लेलिस्ट है सिर्फ 30% डाउनलोड हो चुकी है। अभी दोस्तों इसको आप ओपन कर लीजिएगा और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप एक एक करके सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ को देख लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप फिर से क्लिक कर दीजिएगा इसी वाले ऑप्शन पर। और दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियोज़ है दोस्तों वो यहाँ पर डाउनलोड होना बंद हो जाएंगी, जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपके स्मार्टफोन से यहाँ पर गायब हो जाएंगी, यानी कि दोस्तों डिलीट हो जाएंगी। अगर दोस्तों आप अपनी डाउनलोडेड प्लेलिस्ट की वीडियो की जो क्वालिटी है उसे यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना होगा अपने चैनल के आइकॉन पे। तो दोस्तों यहाँ पे अपने चैनल के आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जाइएगा सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। और दोस्तों सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड्स का। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको जो डाउनलोड क्वालिटी है उसका ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से दोस्तों आप किसी भी यहाँ पे क्वालिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो इसी क्वालिटी में आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी YouTube चैनल से किसी भी प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे दोस्तों उस चैनल में इतनी भी प्लेलिस्ट क्यों ना हो दोस्तों आप सारी की सारी प्लेलिस्ट को जो है अपने YouTube ऐप के अंदर बड़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।